स्वागत है खान और फर्नीचर पे। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है मेरा सेकंड हैंड फर्नीचर है खान और मैं कोठी से सेकंड हैंड फर्नीचर उठाता हूँ उसे मॉडिफाई करके आप लोगों तक बहुत ही सस्ते दाम में पहुँचाता हूँ। जय दोस्तों, आज एक साइट पे आया हूँ मैं आया हूँ सेक्टर 39 फरीदाबाद हरियाणा, जहाँ से मैं एक सोफ़ा कम बेड ले जा रहा हूँ। दोस्तों ये सेकंड लेयर का सोफ़ा कम बेड है। सोफ़ा कम बेड तो वैसे कई लेयर का होता है, लेकिन ये सेकंड लेयर का है। सेकंड लेयर में क्या क्या खासियत होती है ये चीज़ आप जानिए और समझिए भी, और इसमें पूरा बने रहिएगा क्योंकि मैं इसमें बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ सोफ़ा कम बेड की कैसा होता है और किस तरीके का आपको खरीदना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं क्या है। तो ये है हमारे पास सोफ़ा कम बेड, आप देख सकते हैं। इस सोफ़ा कम बेड की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई होगी आपकी 6 फुट और लंबाई भी इसकी 6 फुट होती है। कैसे होता है, ये सेकंड लेयर का है दोस्तों। सेकंड लेयर में ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये पूरा खुलने वाला सोफा कम बेड है आपका। इसमें ये खुलने के बाद दोस्तों ये हो गया 6 फुट तो लेंथ हो गया इसका, 6 फुट चौड़ाई होगी। इसमें अभी गद्दे का काम बाकी है दोस्तों, इस पर गद्दा लगेगा और गद्दे में फैब्रिक भी चेंज होकर मिलेगा आपको, और उसके बाद इसे प्रॉपर हम पॉलिश करके देंगे आपको हम। तो ये टोटल पॉलिश होके फैब्रिक चेंज होके गद्दा लग के आपको हमारे पास मिलेगा। कितने में मिलेगा इसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन करके मुझे पता कर सकते हैं। इस प्रॉपर कम बेड में एक बात है दोस्तों कि ये लकड़ का है प्रॉपर ही, और इसमें स्टोरेज भी होता है, आप देख सकते हैं स्टोरेज भी है। इसके अंदर आप सामान वगैरह भी रख सकते हैं। ये लकड़ में है आप देख सकते हैं, और ये फोल्डिंग होती है, ये खोल सकते हैं बैक साइड से खोल सकते हैं, और इसको भी आप खोल के इसको भी अलग कर सकते हैं, और आप चाहो तो ये इसको भी आप अलग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे एक स्टॉपर लगाया जाता है जो इसमें फंसता है आपका, ठीक है। वो स्टॉपर हमने निकाला हुआ है अभी क्योंकि हम इसे यहाँ से ले जा रहे हैं, इसलिए हमने इसको निकाल दिया है। तो इसको आप आराम से कैसे भी करके इसको खोल सकते हो, आप लेके कहीं भी जा सकते हो, शिफ्टिंग कर सकते हो जहाँ भी जा रहे हो, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल पर अगर आप रह रहे हो तो इसे आसानी से खोल के आप इसे शिफ्ट कर सकते हो। और अगर आप कहीं भी शिफ्ट हो रहे हो, कहीं जा रहे हो, जैसे नोएडा जा रहे हो, गांव जा रहे हो, चाहे कहीं भी द्वारका हो, मुंबई हो, यूपी हो, कहीं भी अगर आप शिफ्ट हो रहे हो तो तब भी इसे फॉलो करके आप बहुत आसानी से लेके जा सकते हो। सेकंड लेयर सोफा कम बेड में यही खासियत होता है दोस्तों। तो आप कभी भी लें मुझसे ले, चाहे आप XYZ कहीं दुकान से भी यदि आप लेना चाहें तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सेकंड लेयर का ही ले तो आपके लिए बेनिफिट होगा, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। थर्ड लेयर में अक्सर चैनल ख़राब होने के चांसेस होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपने वीडियो प्रॉपर देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर आपको चाहिए तो आप उसे कॉल कर लीजिएगा, फ़ोन कर लीजिएगा मुझे। और इसी तरीके का अच्छे फर्नीचर अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल सही टाइम है दोस्तों। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।